हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी टू इजी रेसिपी। आज मैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो खाने में जितना स्वादिष्ट होता है बनाना भी उतना ही आसान है। तो आज का रेसिपी है छोटू माछेर बाटी चौचौड़ी, और ये खाने में फ्रेंड बहुत ही टेस्टी होता है। आप ज़रूर से इसके एक बार ट्राई कीजिएगा, और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, इस रेसिपी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे बताते हैं। सबसे पहले मैंने छोटा छोटा जो फिश होता है उसे ले लिया है। उसे मैंने हल्दी से मैरिनेट किया हुआ है, और एक छोटा प्याज को स्लाइस में काटा है, एक टमाटर को स्लाइस में काटा है, और एक आलू को मैं लंबे भुजिया के आकार में काट लिया है। थोड़ा सा लहसुन को छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। सबसे पहले एक कटोरी में हम ले लिए हैं फिशेस को, और एक बर्तन में हमने फिश को ले लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी पहले से ही डाला हुआ था, मैरिनेट करके रखा हुआ था फिश को। फिश को अच्छी तरह से धो के हम हल्दी से मैरिनेट किए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल पहले थोड़ा सा मैं डालूंगी। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कटे हुए लहसुन, आलू, टमाटर, और प्याज। सारे इंग्रेडिएंट्स को फिश के ऊपर हम ऐड कर लेंगे। करेंगे स्वाद अनुसार नमक, फिर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें फिर से थोड़ा सा हम सरसों तेल ऐड करेंगे, और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है फ्रेंड। फिशेस को अच्छी तरह से आलू, टमाटर, प्याज सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। बस इसे कुछ देर इस तरीके से मैरिनेट करके हम ढक के रख देंगे। अभी हम इसे मैरिनेट करके कुछ देर रख देंगे। अब हम कढ़ाई चलाएंगे। कढ़ाई गर्म होने से उसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, देखिए फ्रेंड तेल गर्म होने को आया है, जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे चार हरी मिर्च को मैं दो टुकड़ों में काट के इसमें ऐड कर दिया हूं। अब हम जो फिश को मैरिनेट करके रखे हुए थे सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसको ऐड कर देंगे।
फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं है। मैरिनेशन किया हुआ फिश इसमें ऐड कर देने से ही ये अपने आप सीम आँच में पकते रहता है और पूरा रेसिपी तैयार हो जाएगा। बस थोड़ा हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है ऑयल के साथ। अच्छी तरह से सॉटे करने के बाद अब हमें ढक के 10 टू 15 मिनट्स पकाना है। हमें बीच में खोल के एक बार देख लेना पड़ेगा कि आलू कितना बॉयल हुआ है कि नहीं। आलू, प्याज, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब फिश के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो रेसिपी अब तैयार हो जाता है फ्रेंड। तो बीच में एक बार खोल के हम इसे अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे, फिर ढक के हम इसे पकने देंगे। तो फ्रेंड, मेरी ये रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आते हो तो मेरे रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फ्रेंड जो आम तौर पे घर में बनने वाले रेसिपी वो लेके आती हूँ, और ये सारे रेसिपी आजकल बनना बहुत कम हो गया है। और लेकिन फ्रेंड, ये सारे रेसिपीज़ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, आलू पूरी तरह से बॉयल हो गया है और मसाले के चारों, फिश के चारों ओर से मसाला जो तैयार हो गया है पता चल जा रहा है, क्योंकि वो तेल चारों तरफ से, तेल का जो ये है पूरी तरह से तैयार हो गया है हमारा रेसिपी। बस अब हमें इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से सॉटे कर लेना है और सारे को मिक्स कर लेना है, और फ्रेश धनिया ऊपर से हमें ऐड कर देना है। धनिया ऐड करने के बाद हमें आंच को बंद कर देना है और ये हमारा रेसिपी बन चुका है। छोटो माचेर बाटी चचड़ी बन चुका है। तो अब इसे हम ढक के रख देंगे और गर्मा गर्म राइस के साथ से सर्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।